गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नाउ इन प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जहां पर लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं, यानी अपने शासन करने वालों को चुनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और कुछ स्टोरीज हैं जिस लाइक मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि लीडर्स ने क्या डिसीजन लिया मेजर्स। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कि क्या कॉम्पिटिशन है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल में। एंड नाउ वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन स्टोरीज को पढ़ेंगे और उनके साथ एक एक फीचर्स को हम जानते जाएंगे। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था, मैंने आपको बता दिया कि सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, एंड दिस इज अ पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट वन को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड नाउ सबसे पहले यहां पर लिखा है कि दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस, कि बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं आपके पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 4 पर जब आप देखें तो वहां पर स्टार्ट है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, ठीक है, कि कौन है रूलर इस डेफिनेशन में। एंड नाउ नेक्स्ट आप देखें कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि किस प्रकार के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्ट एज रूलर्स, कि वो कौन से पीपल होते हैं जिनको रूलर्स के रूप में चुना जाता है, क्या वो पीपल खुद रूलर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कि ऐसे कौन से फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। एंड नाउ कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, क्या जो इलेक्टेड रूलर्स होता है क्या डेमोक्रेसी में वो जो चाहता है वो कर सकता है, अपना मनमानी कर सकता है। एंड नाउ और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कुछ लिमिट्स में वर्क करती है। एंड नाउ इट इज नेसेसरी फॉर आर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि डेमोक्रेसी में ये कंपलसरी है कि सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, सम्मान किया जाए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लिया है यहाँ पर, उसके थ्रू ये इसको समझने की कोशिश की। वेरी फर्स्ट आप देखें, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझाते चलूंगा यहाँ पर कि इलेक्टेड लीडर्स ने क्या डिसीजन लिया है। सबसे पहले जो स्टोरी है पाकिस्तान की स्टोरी यहाँ पर मेंशन की गई है कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, आपने नाम शायद सुना हो, और नहीं सुना हो तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ एक जाना माना नाम है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, ठीक है। कुछ समय पहले उसको फांसी की सजा भी दी गई है। एंड नाउ इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन ऑर्डर इन अक्टूबर 1999, कि उन्होंने मिलिट्री का शासन 99 में लगा दिया। और लिखा है कि ही ओवरथ्रू आ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड 1999 में उन्होंने मिलिट्री का शासन लगाया, कैसे, कि वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उसको उखाड़ फेंका उन्होंने। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, और खुद को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, ठीक। एंड लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन ऑफ टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड आ रिफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को डेजिग्नेशन चेंज कर लिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव से उन्होंने हटाकर अपना डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट बना लिया, यानी खुद को उन्होंने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया, या पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया। एंड 2002 में उन्होंने बोला कि 2002 हेल्ड अ रिफर्डम, रिफर्डम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी लोगों के मत का संग्रह, ठीक है। तो उस जनमत संग्रह से अपने आप को अपना जो टाइम पीरियड था वो 5 साल के लिए एक्सटेंड करा लिया। लेकिन सवाल ये आया कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रिफंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। उन्होंने बोला कि जो ये रिफंडम था, जो ये जन्म संग्रह था, वो एक फ्रॉड था, माल प्रैक्टिस था, ठीक है, यानी धोखाधड़ी की गई यहां पर। तो इन्होंने क्या बोला कि जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, पाकिस्तानी मीडिया थी, सबने इसका विरोध किया, सबने इसको गलत कहा कि ये डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट के खिलाफ है। देन आफ्टर क्या होता, देखिए बेटा, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने इशू किया, एंड दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के संविधान को अमेंडमेंट कर दिया, संविधान में संशोधन किया। तो हम देखते कि संशोधन क्या थे,
ठीक है बेटा, हम पेज नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया और संशोधन क्या किया देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, अपने अंदर क्या शक्ति ले ली उन्होंने, ठीक है, संविधान को चेंज करके कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कहानी में क्या है आगे कि मैं सिर्फ सिंपल सा फंडा यहां पर बताऊंगा। ठीक है, कि कहानी में यह है आगे कि उन्होंने जनरल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को भंग करने की शक्ति अपने आप में ले ली एंड द वर्क इज सिविलियन कैबिनेट की, मंत्रिपरिषद का जो वर्क था वो कुछ आर्मी के ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया और जो इलेक्टेड जो पर्सन थे, ठीक है, वो इनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि कौन से पर्सन को चुना जाए कौन से पर्सन को नहीं चुना जाए। तो ये डेमोक्रेटिक के खिलाफ था। ठीक है, इसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते थे। ठीक, इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या हम इसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, नहीं। इसमें कुछ बुक्स में कुछ कार्टून्स दिए हैं बेटा, उन कार्टून्स को आपको स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले पेज नंबर 4 पर सीरिया का कार्टून दिया है, पेज नंबर 5 पर सबसे टॉप में डेमोक्रेटिक लिखा है, देखिए डेमोक्रेसी लिखा है और डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बॉक्स है, ठीक है, उस पर गोली चलाई जा रही है, यानी जबरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है। तो यही कहानी कुछ पाकिस्तान की थी, तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो यहीं पर एक फीचर्स निकल कर आता है, देखेंगे आप इसके लास्ट में आप देखें कि लिखा है कि दिस गिव्स द फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी का, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। कि यहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुन लिए, ठीक है, अपने जनरल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुन लिए, लेकिन पावर उनके हाथ में नहीं थी। पावर उनके हाथ में थी जिनको जनता ने नहीं चुना, लाइक आर्मी के ऑफिसर्स जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति बने तो पावर उनके पास थी, लेकिन हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या देखते हैं बेटा कि पावर उनके हाथ में होनी चाहिए जिनको जनता ने चुना है। तो पहला फीचर क्या है आप लोग नोट कर लें कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि फाइनल जो पावर है वो उनके पास होना चाहिए जिनको लोगों ने चुना है, जिनको लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब यहां पर दो देशों की स्टोरी पढ़ेंगे हम, एक हम पढ़ेंगे चाइना की और एक हम पढ़ेंगे मैक्सिको की। यहां पर कहानी क्या चल रही है, ठीक है, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में देखिए यहां पर क्या कि इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड कंबागुओ रेमिन दाइव्याओ दाहोई। ये चीन की संसद का नाम है बेटा, कि यहां पर इस संसद के द्वारा हर 5 साल में इलेक्शन कराए जाते हैं। एंड नाउ कि द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कि जो नेशनल पीपल्स, ठीक है, एक जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, यानी जो राष्ट्रीय जनता संसद है, ठीक है, उसके पास पावर होता है कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए। एंड नाउ इट हैड नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। कि लगभग चाइना से 3000 मेंबर्स को चुना जाता है बेटा। एंड ठीक है, एंड सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, जिनमें से कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। एंड नाउ बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एक ही पार्टी वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है यदि कोई चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहा है, कोई चुनाव में वो खड़ा होना चाहता है। ठीक है, तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। एंड नाउ ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइंड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-3 की बात बताया कि वही लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे, या छोटी मोटी जो 8 पार्टियां हैं, छोटी छोटी 8 पार्टियां जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस बनाती हैं, समर्थन करती हैं, उनमें से कोई हो तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। एंड नाउ द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा वहां पर गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। एंड नाउ अब देखिए, ये तो था चाइना के बारे में कि चाइना में एक ही पार्टी है, वहीं के लोग खड़े होते हैं, ठीक है, चुनाव में भी वही लोग जीतते हैं। ठीक, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी तो है पर है कैसी डेमोक्रेसी। एंड नाउ हियर द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ रिलेटेड ऑफ मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल।
ठीक, ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिको की बात है, बोला कि सिंस देयर इंडिपेंडेंस, कि 1930 में उसको इंडिपेंडेंस मिला था, 1930 में उसको आजादी मिली थी। ठीक है, जब 1930 में उसको आजादी मिली तब से लेकर हर 6 साल में वहां पर चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन उन्होंने बोला कि द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर, की कंट्री जो है कभी भी डिक्टेटर के अंडरशिप में नहीं आई, या तो कोई मिलिट्री वाला उस पर ओवरटेक नहीं किया। बट एक चीज याद रखने वाली बात है यहां पर, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन 2000 तक इन्होंने बोला कि जो चुनाव जीतती थी पार्टी, वो एक ही पार्टी थी जिसका नाम था PRI, जिसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यही पार्टी है जो कि चुनाव जीतती थी। एंड नाउ अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्सेंट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टीज चुनाव पर खड़ी तो होती थी पर कभी चुनाव नहीं जीतती थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहानी क्या होती है, बट नेवर मैनेज टू विन, द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, की जो PRI की पार्टी थी चुनाव में जीतने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज करती थी। ठीक है, तो और इसको फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि ये डेमोक्रेसी का फॉर्म है, कि जनता चुन तो रही है लोगों को पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैक्सिको में ये होता था बेटा कि वोटिंग्स भी होती थी, लास्ट टाइम पर चुनाव के जगह बदल दिए जाते थे। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग का जो मामला है, समझ लें आप, बूथ कैप्चरिंग वो सबसे ज्यादा मैक्सिको में होता था चुनाव के समय। इसीलिए 2000 तक कोई भी दूसरी पार्टी सत्ता पर नहीं आई PRI के अलावा। लोग वोट किसी और को देते थे तो भी चुनाव पे जीत PRI पार्टी की होती थी, तो ये भी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहीं पर निकल कर आती सेकेंड डेफिनेशन जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू ऑफ लूजिंग। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि डेमोक्रेसी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जहां पर जो पार्टी पावर में है उसके लूज होने के भी चांस हो सकते हैं, उसके हारने के भी चांस हो सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन थी। नाउ द नेक्स्ट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, अब तो हर जगह ये कहानी चल रही है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, कि एक पर्सन के वोट की वैल्यू दूसरे पर्सन के वोट की वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती थी और कम भी हो सकती थी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में उसको खत्म किया गया। यहां पर देखिए क्या लिखा है, कि इयरलियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि डेमोक्रेसी के लिए कैसे लोग डिमांड करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की, कि वयस्क मताधिकार की। दिस प्रिंसिपल हैज हाउ कम टू बी एक्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस प्रिंसिपल को लगभग सारे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया है। येट देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ डेंटियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। अब देखिए यहां पर कुछ इंसिडेंट्स बताए हैं कि इक्वल राइट ऑफ वोट, कि वोट यानी वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू के पहले क्या हुआ। देखिए, अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, कि 2015 तक सऊदी अरेबिया की वुमेन्स को वोट डालने का राइट्स नहीं था। नाउ द नेक्स्ट, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूलर्स इन सच अ वे द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, कि इन्होंने बोला कि एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज के लोग थे, रशिया के जो माइनॉरिटीज लोग थे, उनको अपने वोटिंग राइट्स लेने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। एंड नाउ इन फिजी द इलेक्ट्रोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन ऑफ एन इंडियन फिजियन। ठीक है, इन्होंने बोला कि फिजी में, फिजी एक कंट्री है, वहां पर वोट का वैल्यू क्या होता था बेटा, जो इंडियन नागरिक थे फिजी थे, इंडियन फिजियन नागरिक थे, उनके वोट की वैल्यू फिजियन जो इंडोजेनियस जो फिजियन नागरिक थे, फिजियन सिटीजन्स थे, उनके वोट से कम होता था। यानी ये अप्रवासी भारतीय जो थे वहां पर और फिजी के नागरिक बन गए थे, उनके वोट की वैल्यू फिजी के जो वहीं के नागरिक थे उनके वोट के वैल्यू से कम थी। ठीक है, अब यहां पर देखें हम कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि डेमोक्रेसी फंडामेंटल किस पर बेस्ड है बेटा, पॉलिटिकल इक्वलिटी पर। डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए, कि पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब राजनीतिक समानता सबके पास होना चाहिए। जब राजनीति की हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सभी लोग इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और यहीं पर हमको डेमोक्रेसी की तीसरी फीचर्स निकल कर आती है। तीसरा फीचर्स आप देखें डेमोक्रेसी का कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का वोट एक होना चाहिए, उसकी वैल्यू एक होनी चाहिए। एंड इन्होंने बोला कि ईच मस्ट वैल्यू, कि हर पर्सन को ये राइट्स होना चाहिए कि एक ही बार वोट डाल सके। ठीक है, नाउ वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर थ्री। हम इसके बारे में चैप्टर थ्री में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड डेफिनेशन, थर्ड फीचर्स को बताया। एक बार आप नोट करें कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कि हर सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए, कि एक सिटीजन एक ही बार वोट डाले और उसके एक वोट की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। कि अलग अलग पर्सन के लिए वोट की वैल्यू में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे बेटा कुछ फीचर्स। कुछ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में हम आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।